आज मेरे व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त बीत गया। मेरा व्रत आरंभ होने के पूर्व ही खंडित हो गया। मुझे क्षमा करना प्रिय, भूल हुई। आप अपना व्रत कल भी प्रारंभ कर सकती हैं। मैं वचन देता हूं, अब मेरे कारण आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा। सत्य न कहना तो हमें आता नहीं और असत्य वो भाता नहीं। इस कैलाश में है कोई ऐसा गण जो केवल तुम्हारी बात सुन सके? और आज तो नंदी ने तुम्हारे व्रत में ही विघ्न डाल दिया। ऐसे ही विघ्न होता रहेगा तो कैसे पूर्ण करोगी तुम अपना व्रत? कैसे प्राप्त करोगी संतान सखी तुम? मैंने निर्णय ले लिया, मैं अपना व्रत यहाँ से कहीं दूर किसी एकांत स्थान में करूंगी, जहां उसमें विघ्न डालने वाला कोई नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारी नहीं मेरी भी परीक्षा है पार्वती, तुमसे दूर रहना तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है। तुम्हारे बिना तो मैं भी अपूर्ण हूं पार्वती। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
देवी पार्वती की इतनी परीक्षा क्यों? न जाने स्वामी योग निद्रा से कब जागेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाथ, देवी पार्वती का व्रत पूर्ण होने का समय निकट आ गया है। और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी उन्हें? आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्य व्रत पूर्ण किया, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। आप जो भी वरदान मांगेंगे मैं वो अवश्य दूंगा। प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही, अर्थात त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। नन्हे पक्षी, मेरा एक कार्य करोगे? मेरे स्वामी, मेरे महादेव से जाके कहोगे कि उनकी पार्वती अत्यंत शुभ समाचार लेकर उनके निकट लौट रही है। जाओ नीलकंठ, जाओ। पार्वती, मुझे आभास हो गया हमारे विरह के पल बीत गए, आप लौट रही हैं, आपका स्वागत है प्रिय। मुझे उन्हें विवश करना ही होगा।
घर में सभी सामग्री इस प्रकार अस्त व्यस्त की पड़ी हैं। प्रभु हम आपके गण हैं। प्रभु हमने खीर खाई अवश्य है किंतु कभी पकाई नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है इसे पकाएं कैसे। किंतु नंदी, देवी पार्वती ने तुम्हें कितनी बार खीर पकाकर खिलाई है, तो तुमने उन्हें खीर पकाते अवश्य देखा होगा। हाँ प्रभु, देखा तो अवश्य है किंतु कभी कभी समझा नहीं। प्रभु हमारी दृष्टि तो सदैव सदैव खीर पर होती थी, उसको पकाने की विधि पर नहीं। क्षमा करें प्रभु। इतने वर्षों के तप के बाद यहाँ लौट रही हैं देवी पार्वती, उनका उचित स्वागत मेरा कर्तव्य है। उनके लिए यदि खीर मुझे ही पकानी होगी तो मैं ही पकाऊंगा। प्रभु खीर पकाएंगे? अवश्य प्रभु। कितना कठिन हो सकता है खीर पकाना? गुड़, दूध और चावल का ही तो मिश्रण है, उसे चूल्हे पे रख दो, बस पक गई खीर। हाँ प्रभु, बस ऐसा ही है। पद्दे दिल। तो तैयारी आरंभ कीजिए। दूध, गुड़, चावल। प्रभु, कदाचित चूल्हे की आंच पर रखकर इस घोल को हिलाना भी पड़ता है। गौरी पुनरागमन की घड़ी आ गई, हर्ष लहर कैलाश गिर छा गई। पार्वती शंकर का प्रेम अति विशेष, खीर उमा के लिए बना रहे महेश। पक गई खीर, इतना सरल कार्य था ये? हाँ प्रभु, सरल कार्य था। इस खीर को एक पात्र में उलटकर सजा दो। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि अन्य प्रबंध उचित प्रकार से हुए हैं या नहीं। अवश्य प्रभु। उचित हैं ये पुष्प लड़ियां। कई दिव्य वर्षों के कठोर व्रत के बाद कैलाश लौट रही हैं पार्वती। उनके स्वागत के लिए संपूर्ण कैलाश को सज्जित कर दो। उसे देखकर वो अपने सभी कष्ट भूल जाए। अवश्य प्रभु। अब तो कैलाश के बहुत निकट पहुंच गई हूँ मैं। सुनो प्रभु, तुम्हारे कारण मेरा ताला टूट नहीं होता प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, मैं बलि दाऊदानी ने बोला ताला ताले तलूंगा, आप बस दे दिए। ये है तुम्हारी सावधानी, अभी आनंद उठा लो। फिर जब पार्वती यहाँ आएगी तो उन्हें बताऊंगा कि उनके पीछे ऐसे ध्यान रख रहे थे तुम कैलाश का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
गजासुर को हम देवता भी नहीं रोक पाए। उसके कठोर तप और दुष्प्रभाव से इस प्रकृति को नष्ट होने से केवल और केवल देवेश्वर महादेव ही रोक सकते हैं। मुझे देखकर आपके मुख पर आए आनंद को देखने के लिए ललायत हूँ मैं स्वामी। प्रणाम माता। माता, इतने समय के बाद आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आपके स्वागत के लिए प्रभु ने स्वयं सज्जा कराई है माता। माता, जब आप यहाँ नहीं थी तो हम पल पल आपका ही स्मरण करते थे। मैं भी आप सभी को देखकर अत्यंत प्रसन्न। किंतु नंदी, स्वामी कहाँ है? माता, प्रभु तो ये रहे। कहाँ? वहां तो कोई भी नहीं। माता, प्रभु तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हो सकता है ध्यान में हो, जाइए देखकर आइए। जी। प्रभु कैलाश में कहीं भी नहीं है। ये व्यर्थ की चिंता है या एक स्त्री का सहज ज्ञान? क्या कोई आहित? नहीं नहीं, देवादिदेव का कोई आहित कैसे कर सकता है? फिर भी मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कुछ तो आयत कर घटा। माते 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 माते, क्या हो गया माते? तुमने माला है ताली, कितनी में अंधताल ता दिया है। ये कैसा संकट है? माता, प्रभु कहाँ है? प्रकाश का अंत अर्थात सृष्टि का अंत। शांत हो जाइए आप सभी, सृष्टि का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आप सभी बाहर जाकर प्रतीक्षा कीजिए। मेरे भ्राता विष्णु देव ही मेरी सहायता कर सकते हैं। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। भ्राता श्री हरि, ये कैसा संकट है? संसार में ये अंधकार क्यों छा गया? मेरे स्वामी कहाँ हैं? उन्हें कुछ हुआ है क्या? गजासुर। ओम नमः शिवाय। गजासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। तुम्हारे तप के तेज से तो तीनों लोग असुरक्षित हो उठे हैं, इसलिए आप अपना तप समाप्त करो। प्रणाम भोलेनाथ, मैं जानता था आप मेरा तप सफल करने अवश्य आएंगे। कहो, क्या वरदान चाहिए? सब कुछ चाहिए मुझे। आप चाहिए भोलेनाथ, आप मेरे उदर में सदा के लिए
तुम मांग रहे हो उसका क्या परिणाम होगा? ज्ञात है तुम्हें? ज्ञात है प्रभु, तभी तो मांग रहा हूं। यदि आप मेरे उदर में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा से सुरक्षित निरोग अमर और सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा मैं। सृष्टि ही नहीं सर्वत्र ब्रह्मांड पर राज करूंगा मैं, सर्वत्र। स्मरण रखो गजासुर, लालच का परिणाम सदा बुरा होता है। लालच व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कोई अन्य वर मांगो। आप ही का भक्त हूं भोलेनाथ, जो मांगा है उसी पर अड़िग रहूंगा। कठोर तप कर ये वरदान लिया है मैंने, इसी का पूर्ण कीजिए प्रभु। कैसी दुविधा है ये, इसका वरदान तो मुझे आपसे दूर कर देगा उमा। मुझे तुम्हारे विवेक पर दुख है, किंतु यदि तुम ये चाहते हो यही पाओगे। किंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के पूर्व मैं कैलाश जाकर देवी पार्वती से भेंट करना चाहता हूं, वो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं प्रभु, सर्वप्रथम आपको मेरा वरदान पूर्ण करना होगा। बस गजासुर, मैं लंबे समय से पार्वती से दूर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि मुझे उनसे एक बार भेंट करने जाने दो, मैं शीघ्र लौटाऊंगा। नहीं भोलेनाथ, नहीं। मैंने भी वर्षों तक तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया है, आप इसे अभी पूर्ण कीजिए। इसी क्षण इसी पल आप मेरे उदर में स्थित हो जाइए। आ जाइए प्रभु, आ जाइए। मेरे स्वामी, मेरे महादेव को मुझसे विलग नहीं कर सकता।